दोस्तों वैष्णो वृंदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे जिमीकंद की सब्जी। तो चलिए जिमीकंद बना काटते हैं, फिर आपको काट के दिखाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना जिमीकंद काट लिया है, अब इसको हम करेंगे फ्राई। तो देखिए दोस्तों, हम डालेंगे इसमें तेल, और अब इसको हम करेंगे जिमीकंद को फ्राई। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपना जिमीकंद। देखिए दोस्तों, हम इसको फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके फिर आपको दिखाएंगे इसका कलर हम। देखिए दोस्तों, जिमीकंद हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद, और अब बनाएंगे इसके लिए हम मसाला। तो देखिए दोस्तों, हम काटेंगे अपने इसके लिए टमाटर, हमने काट लिए हैं, अब इसके लिए हम बनाएंगे मसाला। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे मसाले हैं, ये हमारा हल्दी है, मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, हींग है, जीरा है, और ये हमारा कस्तूरी मेथी है। तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं इसके लिए हम मसाला, जलाते हैं। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल रहे हैं तेज पत्ता, और इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, और दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं अपना अदरक का पेस्ट। दोस्तों अब हम अपना जीरा भूनेंगे इसमें पहले, मेरा जीरा भून रहा है अभी। तो दोस्तों, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, इसमें डालेंगे धनिया, जीरा पाउडर, और दोस्तों इसी में डाल देंगे हींग, और इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला मसाला हमारा अच्छे से भून गया, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर।
ये अपना मसाला भूनेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको मसाला भूनने के बाद। तो देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारा। ये हमने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जो बहुत ही अच्छा कलर देती है और मिर्च भी कम होती है। इसको बच्चे आराम से खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला देखिए कितने बढ़िया से बन गया है। और दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा पानी, इससे हमारा मसाला अच्छे से फूल जाएगा और बढ़िया सा रोगन आएगा। देखिए दोस्तों क्या मज़ेदार कलर है, देख रहे हैं आप? वाव, जवाब नहीं तुम्हारी तारीफ का। देख रहे हैं दोस्तों, आपकी तारीफ हो रही है, देखने का अंदाज आपका, आपका देखने का अंदाज और हमारे बनाने का आपके लिए प्यार से बना रहे रेसिपी को, उसी प्यार से दोस्तों सब्सक्राइब भी करके जाना। ये देखिए कलर, देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप? ये है देखो सब्जी का कलर, इसमें लहसुन और प्याज नहीं है। वो कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज के मज़ा नहीं आता। देखिए कैसे मज़ा टपक रहा है हमारी कढ़ाई में, देख रहे हैं आप? चलिए तो दोस्तों अब इसको हम डालते हैं इसके अंदर अपना जिमीकंद। जिमीकंद फ्राई करा हुआ इसके अंदर, और इसको अब हम मिलाएंगे अच्छे से। ये देखिए देखिए दोस्तों कलर हमारे जिमीकंद का। तो देखिए दोस्तों अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद अब इसके अंदर हम लगा देंगे ढक्कन। तो देखिए हमारा अच्छे से हमने पानी डाल दिया है, और इसमें दोस्तों हम ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी रखेंगे ताकि रोटी से आराम से खाया जा सके। चलिए दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं, और फिर आपको 5 मिनट के बाद दिखाते हैं हमारा जिमीकंद कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों हम अपनी देख सब्जी देखते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो उठाते हैं ढक्कन, और देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बन गई है। देखिए बहुत ही अच्छे से गल गई है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को हम करेंगे मिक्स। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने मिक्स कर दिया है, और दोस्तों और इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी जो हमने भून के रखी हुई है, पीस के रखी है, वो डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए ये भी हमने अच्छे से मिला दी है। और दोस्तों और हमारा रह गया फाइनल, अब इसमें हम मिर्ची डाल देंगे 3 जो हमने चीर के रखी हुई हैं, ये भी हम डाल रहे हैं क्योंकि हरी मिर्च की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है।
तो दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं ढक्कन, उसको निकालते हैं प्लेट में, फिर आपको दिखाते हैं अपनी सब्जी की। तो देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी बन के तैयार है, बहुत ही सुंदर हमारी सब्जी बनी है, स्वादिष्ट, और मसालों की बहुत अच्छी खुशबारी कि हमने इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे से भुना दोस्तों है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी प्यार से रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए तो आगे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राधे राधे। और आपको चैनल का तो नाम बताइए, वैष्णव वृंदा ब्लॉग।